नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू फोटोशॉप ट्यूटोरियल में आज आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप कैसे अपने सनग्लासेस का कलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल डेकी सामा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट से जुड़ी वीडियोज आगे भी लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक सनग्लास पहना हुआ एक आदमी का पिक्चर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि हमें इस लैशो टूल इसको सिलेक्ट करना है, और दोस्तों फिर हमें जूम कर लेना है इस सनग्लास के ये जो एक साइड है इस पर, और फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, और फिर हमें लैशो टूल को सिलेक्ट करके ये जो सनग्लास का पहला जो हिस्सा है इसको हमें सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, चलिए इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। तो और दोस्तों, आप इसको पेन टूल से भी कर सकते हैं, पर मैं लैशो टूल यूज करता हूँ। और दोस्तों, मैं आपके पास आता हूँ कुछ ही देर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने ये पहला वाला जो सनग्लास का पार्ट है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है, और फिर हमें सिंपली कंट्रोल जे से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। तो दोस्तों, आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सनग्लास का पहला पार्ट है वो डुप्लीकेट हो चुका है। ये अच्छा तो नहीं हुआ है, पर दिखाने के लिए ये ठीक है। और फिर हमें इस लेयर्स इस इमेज पर जाके एडजस्टमेंट पर जाना होगा, और फिर हमें इस कलर बैलेंस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। आप सिंपली इसको कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके बाद हमें ये जो कलर है इसके साथ मैच करना है। आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको इससे मिल जाएगा। दोस्तों, मैं एक वायलेट कलर दे दूंगा, वो कुछ हाँ, तो ये ठीक है, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और फिर हमें ये जो है इसको हमें ये कलर लेवल्स जो है उनको हमें कॉपी कर लेना है। दोस्तों, मैं ये नोटपैड ओपन करूँगा, और दोस्तों फिर हमें इनको कॉपी कर लेना है। तो प्लस 87 माइनस 79 और माइनस 38। दोस्तों, फिर हमें ओके कर देना है, और फिर हमें ये जो इस साइड का जो हिस्सा है सनग्लासेस का उसको भी हमें कुछ इसी तरह से कर लेना है। तो दोस्तों, फिर से हमें लैशो टूल को सिलेक्ट करना है, और फिर मेक श्योर दैट कि आपने ये बैकग्राउंड का जो लेयर है उसको सिलेक्ट करके रखा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर जूम कर लूँगा, ना भी नहीं, हाँ तो ये जूम ठीक है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और, हाँ तो ये जूम ठीक है। और फिर मैं इस लैशो टूल को सिलेक्ट करके इस एरिया को भी सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों, मैं आपके पास आता हूँ कुछ ही देर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये जो हिस्सा है मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, फिर से हमें कंट्रोल जे से इसको डुप्लीकेट कर लेना होगा, और फिर हमें फिर से एक इमेज पर जाके एडजस्टमेंट पर जाना होगा, या फिर आप सिंपली कंट्रोल बी से भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, हमें फिर नोटपैड को ओपन कर लेना होगा, हाँ तो ये, और फिर हमें ये जो कलर है इसको -89 -79 +78 78। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सनग्लास का जो कलर है
वो भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप कुछ इसी तरह से सनग्लासेस का कलर चेंज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सुझाव और कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलना, और हमारे इस छोटे से चैनल टिकी सावन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही ट्यूटोरियल पर।